नमस्कार दोस्तों, लॉ अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पेनल कोड के बारे में। हत्या के लिए जो भी सेक्शन रहेगा, आईपीसी के सेक्शन 302 में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये सेक्शन 302 कब लगाया जाता है और इसके साथ ही हम एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जानेंगे, वो है सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पेनल कोड। आईपीसी के सेक्शन 302 बताता है पनिशमेंट ऑफ मर्डर का। अगर कोई पर्सन किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये बताया गया है सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पेनल कोड के। लेकिन 302 लगेगी कब? ये तब लगेगी जब हत्या हुई होगी, और हत्या होती है आईपीसी के सेक्शन 300 के तहत। 302 दोस्तों तभी लगाई जाएगी जब अपराध 300 के अकॉर्डिंग हुआ हो। दोस्तों, आजकल के टाइम में जिन लोगों को कानून की जानकारी भी नहीं होती है, उन्हें भी पता होता है कि यदि किसी की हत्या या मर्डर हो जाए तो मर्डर करने वाले के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 302 लगाया जाता है। और इसमें सभी को पता होता है कि जो मर्डर के दोषी होंगे उन्हें मृत्युदंड तक दिया जा सकता है और कारावास भी हो सकती है, या बात सभी को मालूम होती है। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि आईपीसी के सेक्शन 302 है वो तब लागू होती है जब हत्या जानबूझकर की गई हो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इरादा नहीं होता है मारने का, या हम चाहते नहीं हैं किसी को मारना, पर हमारी किसी गलती की वजह से किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या और कौन सा सेक्शन लगेगा, या क्या 302 सेक्शन लगेगा? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। इस स्थिति में आईपीसी की धारा 304 लगेगी, जो बात करता है मानव वध के बारे में। यानी अगर अनजाने में बिना किसी इंटेंशन के अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाए, तो जैसे कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा और उसमें हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं और उस थप्पड़ की वजह से उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, यानी कि हमारी इंटेंशन उसे मारने की नहीं थी पर वो मर जाता है, तो उस पर सेक्शन 302 ना लगकर 304 लगेगा। फ्रेंड्स, और भी कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर हमारी इंटेंशन मारने की नहीं होती है किसी पर्सन को, पर वो पर्सन मर जाता है, तो उन स्थितियों में भी सेक्शन 304 लगाया जाता है। तो ये था एक जनरल डिफरेंस सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी के बीच में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद।